खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भले ही शो के लास्ट तक पहुंचकर भी शो का खिताब नहीं जीत पाई हो, लेकिन लगता है कि वो अपने इस बदले को अब बिग बॉस के घर में पूरा करती दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ, खबरें हैं कि बिग बॉस के मेकर्स तेजस्वी प्रकाश को शो से जोड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो शो में तेजस्वी को लाने के लिए लगातार जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें लगातार अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजू बिग बॉस 14 में धमाकेदार एंट्री मारेंगी और इस रियलिटी शो में आकर अपने बदले को पूरा करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि तेजू पहले ही ये कह चुकी हैं कि वो बिग बॉस के घर में जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हैं। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हुई हालिया बातचीत में तेजू ने क्या कहा था सुनिए जरा। तेजस्वी ने कहा था, मुझे काफी बार बिग बॉस का ऑफर दिया गया। मुझे लगता है कि मुझे पहली बार ऑफर मिला था जब मैं स्वरागिनी कर रही थी। इस साल भी मुझे शो का ऑफर मिला था, लेकिन अभी मैं फिक्शन शो करना चाहती हूँ। आपको वही करना है जो आप यहाँ कर रहे हैं, जो कि एक्टिंग है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। बेशक अगर एक ऑप्शन दिया जाता है तो एक फिक्शन शो वो है जो मैं अभी करना चाहती हूँ। अब बेशक तेजस्वी अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते हुए एक फिक्शन शो करना चाहती हूँ, लेकिन खबरें हैं कि बिग बॉस के मेकर्स तेजस्वी को मनाने की लगातार कोशिशों में जुटे हैं कि वो शो के लिए बस हाँ कह दे। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या मेकर्स तेजू को मनाने में कामयाब हो पाते हैं। खैर, तेजस्वी का फैसला क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे आपको बता दें कि शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में तेजस्वी शो के हर कंटेस्टेंट पर भारी पड़ी थी। शो में उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका मजाक के अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आया था। हर किसी को यही लग रहा था कि तेजस्वी ही शो का खिताब अपने नाम करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त में एक टास्क के दौरान तेजस्वी की आंख में चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें ऐन मौके पर शो को छोड़ना पड़ा, जिसका दुख तेजस्वी के साथ साथ उनके तमाम फैंस को भी खूब हुआ था। ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स को भी ये अच्छी तरह पता है कि तेजस्वी की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो है ही, साथ ही फुल ऑन एंटरटेनर भी है, जो शो के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या तेजस्वी बिग बॉस के घर में एंटर होने के लिए अपना फैसला बदलती है या नहीं, और एक धमाकेदार एंट्री के साथ अपने फैंस को कोई सरप्राइज देती भी है। वैसे आप बताइए कि क्या आप बिग बॉस 14 में तेजस्वी को देखना चाहते हैं या फिर नहीं। बताइए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।